कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दी गई है बायोनॉम नॉमिनचर के रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे यहां पर बायोनोमलेचर वॉज गिवन बाय द कार्लस लस इज बी practiced बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है विकास जो नेमिंग सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ये दिया गया था बाय द कैरोलेस लिनिअस और इसे जो है प्रैक्टिस किया जाता है ऑल ओवर बाय द बायोलॉजिस्ट लार्जेस्ट ओके देखेंगे सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दिया गया है बोथ द बर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन्ड

अब जब इसको हम हाथ से लिखते हैं तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं और ये जो अंडरलाइंट बायोलॉजिकल नेम है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो ऑरिजिन है वो लैटिन है आफ्टर दैट अगर प्रिंटेड फॉर्म में इसे लिखा जाए तो ये इटैलिक्स में लिखा जाता है देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट कैपिटल लेटर वायल सेकेंड वन स्टार्ट विद स्मॉल लेटर तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे दिस इज द फर्स्ट वर्ड हेयर जो कि कैपिटल है और सेकेंड जो वर्ड है वो स्मॉल है यहाँ पे आई जो है ये स्मॉल है ओके okay, आफ्टर देखेंगे लास्ट लास्ट ऑप्शन ऑप्शन हमें यहां पे दिया गया है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द जीनस तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन फोर्थ बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हे जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का जैसे यहाँ पे हमने मैंगीफरा का एग्जाम्पल लिया है तो ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को और जो सेकेंड कम्पोनेंट है ये डिनोट करता है स्पीसीस को जो कि है इंडिका यहाँ पे राइट सो करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन फोर्थ है एंड अदर जो है वो हमारे डायरेक्टली यहाँ पे रोंग ऑप्शन होते हैं राइट right. सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा हो सकता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर